हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे किचन पे। आज हम बनाएंगे मसालेदार मशरूम करी। मशरूम करी बनाने के लिए पहले हमें मशरूम को अच्छे से साफ करके इसको कट कर लेना है। उसके बाद इसको पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर इसको 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखना है। मशरूम को मैंने पानी में भिगो के रखने के पूरे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम। अच्छे से छन के इसको डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। गैस के फ्लेम को हाई फ्लेम में रखकर इसको अच्छे से मिला लेना है। नमक डालते ही इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से मिलाते रहना है। देखिए मशरूम से कितना पानी निकल रहा है। अब हम इस पानी को निकाल लेते हैं इस तरह से। पानी निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस में हमें सारे पानी को निकाल लेना है। सारे पानी को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालकर मशरूम को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तीन चम्मच ऑयल डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। मशरूम को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी बीच में हम मसाले बना लेते हैं। मसालों में मैंने लिया है 2 बड़े साइज के प्याज, अदरक, 10 से 15 लहसुन और 2 लाल मिर्च। पहले हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। हाफ प्याज को मैं ग्राइंड कर लूंगी और हाफ प्याज उसको बचा के रखना है। और 1 चम्मच जीरा डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। 1.5 प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था और हाफ प्याज को मैंने इसको इस तरह से कट करके रखा है। अब हम मशरूम करी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। मशरूम यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सारे मशरूम को मैंने निकाल लिया है। पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच शुगर। ऑयल थोड़ी सी रेड कलर हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज थोड़ी सी ब्राउन कलर हो जाने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देंगे।
मसालों में अब हम डालेंगे तेज़पत्ता, हाफ टमाटर, हल्दी पाउडर, एक चम्मच चिकन मसाला पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर मसाले को 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में इसको मिलाते हुए इसको 10 मिनट तक पकाना है। मसाले को पकने में पूरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। अब हम मशरूम को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिए थे जिसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। एक गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला के ढक कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है इसलिए हम और हाफ गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको पकाना है। मशरूम को पकने में पूरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। अब हम मशरूम को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारी मशरूम करी बनकर रेडी है। मशरूम करी बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।